Gunjan Roy. I stay in Bangalore. I was neighbor of Mumtaz, and I came in contact of her when actually we were neighbor, but we never used to, you know, interact a lot. But when my mother got expired, at that time that interaction and that experience brought a trust in her. And after so many years, I think so after 4 years, I came in contact of her. I was knowing that I want to do this, but I was unable to do, maybe because of my karmic cycle. And today, today was the right time to meet her again and get free from everything, what all negative energies I was having, what all karmic threads I was connected with. Just want to break from that, and I was really clear about my destination, what I want from my life. But every time I used to face hurdle, every time, the thing which other people used to take for 1 or 2 days or for a month, that I used to take for 2 years. You won't believe. I'll do one thing. I'll speak in Hindi, so one of my friend, he'll be able to understand what I want to say. Normally अगर किसी को आधार कार्ड बनाने जाना है ना तो 3 महीने लगते हैं, ठीक है? मुझे 2 साल लगे. मेरे कोई काम मेरे ना एक बार में होते ही नहीं है. वो किसी के लिए भी एक बार में हो सकता है, पर मेरे लिए एक बार में नहीं होता था. मुझे हमेशा ये लगता था, ऐसा क्यों मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और मुझे नहीं समझ में आता था, कोई रीज़न नहीं समझ में आता था. फिर भी मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो मैं उस हिसाब से मैं वर्क करती ही रहती थी. जैसे मैंने पहले कहा कि मैं मुमताज़ के कॉन्टैक्ट में आई थी, पर वो टाइम मेरा राइट टाइम नहीं था. आई डोंट नो हाउ कम आई वॉज फेसिंग फाइनेंशियल इशू, बट देन ऑल्सो आई डिसाइडेड टू कम. मुझे पता नहीं कहीं से क्या एनर्जी मेरे अंदर आई, वो जो भी प्रॉब्लम होगी देखी जाएगी, मुझे नहीं पता वो कैसे सॉर्ट आउट होगी, मुझे ये करना है. बस मुझे अंदर से एक फीलिंग आई, मुझे अब ये करना है. मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया. उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे पास पैसा था, मैंने उस बेसिस पर उन्हें कहा कि ओके आई डू इट. अचानक से वो भी चला गया. सडनली मेरे पापा बहुत बीमार हो गए और बहुत बड़ा अमाउंट चला गया. तो मैंने उनको जो कहा था वो देने की सिचुएशन में मैं नहीं थी. फिर मैं वेट कर रही थी कि जब मैं वो पोजीशन में आऊँ तब मैं वापस से कांटेक्ट करूँ. पर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको मैसेज करके ये कहूँ कैसे सिचुएशन है. फिर एक मैसेज आया, सो आई टोल्ड आई एम इन. कुछ भी हो जाए, कैसे होगा मुझे नहीं पता, बट आई एम इन, दैट इज़ देयर. मैं यहाँ पर आई. मुझे जो फर्स्ट प्रोसेस उन्होंने किया आर्कएंजल माइकल का, उस वक्त जो मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जीज थी, उन्होंने कहा कि वो निकलेगी. मुझे दूसरा कुछ फील नहीं, पर मेन कि मेरे सिर से पूरी नसों से कुछ ऐसे खींच के बाहर निकल रहा है. और जैसे ही वो प्रोसेस पूरा ख़त्म हुआ, मुझे एक अंदर से एक फीलिंग आई, अब मुझे अस्तमक का पंप लेने की ज़रूरत नहीं है. मैं फील एकदम फ्री फील कर रही थी. ऐसा लग रहा था कि खाली हो गया सब, अभी नसों में कुछ सर्दी वर्दी नहीं है, खाली है पूरा. जब हमने सेकंड प्रोसेस किया, जो प्रोटेक्शन शील्ड का था, वो प्रोटेक्शन शील्ड के वक्त मैंने एनर्जी जो फील की, और उन्होंने जैसे गाइड किया था कि क्या करना है, उसको बस स्टेप बाय स्टेप ट्रस्ट रख के फॉलो करती गई. और मैंने ये सोचा था, मुझे इतना तो था कि जो भी है वो अच्छा ही होने वाला है, पर एक्सपीरियंस करने के बाद क्या हुआ वो मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकती. आपको खुद यहाँ पर आना पड़ेगा एक्सपीरियंस करने के लिए. फ्रैंकली स्पीकिंग आपको आना पड़ेगा यहाँ पर, और आप खुद एक्सपीरियंस करो, अपने लाइफ के हर्डल निकालो. थर्ड प्रोसेस जो हम लोग ने किया वो रिलेशनशिप का था. रिलेशनशिप में मेरे बहुत सारे इश्यूज़ थे, और ठीक है, मतलब मैं ऐसे लेती थी कि होगा, मेरा कुछ कर्मा होगा कि ये मैं फेस कर रही हूँ, ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ. यहाँ पर इतनी हिम्मत आ गई है कि जिनसे कांटेक्ट में नहीं भी हूँ, कौन क्या सोचेगा मुझे नहीं पता, मुझे क्या करना है मुझे पता है.
उनको कांटेक्ट करना है, उनसे बात करनी है, उनको ऐसा लगेगा कि शायद मैं एकदम स्टूपिड हूँ या समझ नहीं पाती हूँ, इट्स ओके, मुझे मेरा कर्म करना है, मुझे इतना पता है। जो लास्ट प्रोसेस हम लोग ने किया मनी वाला, उसमें पता नहीं सबको अलग अलग एक्सपीरियंस था हमारे ग्रुप में जो थे, और एक चीज़ के इस ग्रुप में सब लोग इतने एंथुजियास्टिक थे, मुझे इतना अच्छा लगा ना, ऐसा लगा कि मैं इनसे बॉन्डिंग तोड़ना ही नहीं चाहती हूँ, आप लोग सब मेरे साथ रहो, मुझे ऐसी फीलिंग आती थी। जाने के टाइम भी मैंने बोला कि टच में रहना, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि सबकी वाइब्रेशन एक है और हम सब एक है, एक फैमिली की तरह है और हम सब एक लेवल पर है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई नीचे है कोई ऊपर है, ऐसा नहीं, पर बस एक एक अलग सी फीलिंग थी कि मुझे साथ में रहना है सबके, आप प्लीज़ टच में रहना, कुछ भी हो प्लीज़ याद करो, एक दूसरे को याद करो। और जो हम लोग ने लास्ट वाला प्रोसेस किया जो पैसे का, पैसे को रिलेटेड सबको इश्यूज़ रहते हैं, और कितना भी पैसा कमाए वो कम ही पड़ता है, वो मैं पहले कम कमाती थी तभी भी मुझे कम पड़ता था, मैं ज़्यादा कमाती थी तो भी मुझे कम पड़ता, तो ये चीज़ है कि पैसे ज़रूरत है, हमें किस तरह की लाइफ जीनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पैसे कम है कि ज़्यादा है। अगर मुझे जो लाइफ जीनी है वो कम पैसे में भी हो जाए तो शायद मुझे वो चीज़ की ज़रूरत नहीं, पर मेरे बच्चों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, फैमिली है तो ऐसा फीलिंग आती है कि ये देना है वो देना है, उनको ऐसी फैसिलिटी देनी है, तो उस वजह से मैंने ये प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व किया। और जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो डिफ़िकल्टीज से जा रहे हैं, अभी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज से जा रहे हैं, उनके लिए भी मैंने इस प्रोसेस में प्रे किया हुआ है और ब्लेसिंग्स ली है मुमताज़ मैम की। और मैं मरियम को थैंक्स कहना चाहती हूँ, वो मुझे आंटी कहती है, तो मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ मरियम आपकी वाइब्स के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू। और मुमताज़ मैम को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे साथ होना है वो आपके थ्रू होना था, इसलिए मैं यहाँ पर आई और इसीलिए शायद हम लोग मिले, इस लाइफ में मिले उसका रीज़न ही ये था। नेबर्स बनना वो तो मेरे लिए, सब यहाँ पर आते होंगे ना वो लोग ऐसा चाहते होंगे कि कहीं ना कहीं उनसे कांटेक्ट में रहे, मैं मतलब मेरे पास है ऑप्शन, मैं कांटेक्ट में रह सकती हूँ उनके मुझे नहीं पता दूसरों के बारे में, मैं कांटेक्ट में रह सकती हूँ, वो भले एनर्जी वाइज सबके कांटेक्ट में रहते हो, मैं उनके घर जा सकती हूँ, वो सब जा सकते हैं, पर पता नहीं मैं अलग, मुझे अपने आप को अलग फील होता है, मैं जा सकती हूँ, मैं बेशर्मी से बैठ के बोल सकती हूँ कि मुझे खाना खाना है। और अभी और मुझे एक इंसिडेंट याद आया, अचानक से याद आया, एक दिन मैं काम से आके इतनी थक गई थी कि मेरी बच्ची बाहर खेल रही थी, मैंने उसको आवाज़ दी कि आजा घर पर, मैं थक गई हूँ मुझे नींद आ जाएगी, और उसने नहीं सुना, वो नहीं आई। उस टाइम पे मुमताज़ मैम ने उसको ऐसे बोला था कि कुछ नहीं बेटा, मम्मी नहीं अगर खोलेगी तो तू इधर मरियम के पास सो जाना, और लकीली मैंने दरवाज़ा खोल दिया, नहीं तो मैं आधी रात को उठ के मैं सोचती, पर मुझे आज ऐसा लग रहा था कि अगर मेरी बेटी वहाँ पर गई होती तो उसके लिए भी वो ब्लेसिंग थी, उसके लिए भी वो ब्लेसिंग थी कि वो मरियम के साथ सोई उस रात। मुझे ऐसा लग रहा मैं उठी इसलिए शायद वो नहीं हुआ, पर मैं अगर देर रात को उठती और उसको नहीं देखती तो एज अ मदर मेरे लिए वो तो सही नहीं था, उतना मुझे पता है। और अब मुझे इतना ऐसा लग रहा है कि जो हर्डल्स है ना वो हट गए मेरे रास्ते से, डेस्टिनेशन पता था, हर्डल्स हट गए, अब मुझे सिर्फ इतना काम करना है, उन्होंने जो स्टेप्स दिए उसको फॉलो करके अपनी स्पीड में जाना है। और जो यस वन मोर थिंग कि मैं नॉर्मली मुझे इतना पंप लेने की ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी तो, कि 5 पफ अगर अभी लिए हैं तो थोड़ी देर में वापस से मुझे लेना पड़े, मैं सांस ही नहीं ले पाती थी। मैं कल यहाँ से जब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को पंप लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने आप को चैलेंज किया, एक काम करती हूँ चल यहाँ से चल के जाती हूँ, मैं मीरा रोड से भाईंदर चल के गई, भले वो ज़्यादा मतलब टाइम नहीं हुआ होगा, मे बी 25 मिनट्स to 30 मिनट्स जो भी है, मैंने ये सोचा कि मैं ब्रीथ कर पा रही हूँ ठीक से या नहीं, ये मुझे चेक करना था। मैं गई, मैंने पंप नहीं लिया, मैं आज सुबह उठी मैंने पंप नहीं लिया, यहाँ पर आई हूँ, अभी तक जो हम लोग गरबा खेल रहे थे मैं गरबा नहीं खेल पाती हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं पहले बचपन में बहुत खेलती थी पर अभी मैं नहीं खेल पाती क्योंकि मैं कूदती हूँ ना मेरी सांस फूल जाती है। आज मैंने गरबा खेला, मैंने पंप नहीं है, इसमें आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये सब रिकॉर्डिंग होगा, मुझे पता नहीं, पर इतना पता है कि अगर आपका टाइम आ गया आप यहाँ आओगे,
आपका टाइम आने की बात है। अगर आपका सोल अंदर से साफ है, कुछ भी आपने अच्छे काम किए, तो आप यहाँ आओगे। वन मोर थिंग, यस, जब भी आर्केंजल रिफिल के वक्त तो हम लोग हमारे ऑर्गन्स क्लियर करते हैं, चेंज करते हैं, तो मैंने मतलब मैं सोचा टाइम कम है, एक ही लंग्स से रिलेटेड मैं चेंज करूं, तो मैंने दूसरा लंग्स चेंज नहीं किया। जब मैं प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो एक लंग से प्रॉपरली ब्रीथ कर पा रही हूँ, दूसरा लंग मुझे इतना हैवी लग रहा है, इतना हैवी लग रहा है। और वो प्रोसेस के वक्त मैंने तो ऐसे ही सोचा था कि मुझे कफ का बहुत इश्यू है, तो वो कफ बाहर निकल जाए। दूसरे लोगों ने अलग अलग अपने प्रॉब्लम्स पे वर्कआउट किया, मैंने मेरे कफ का इशू था उसके ऊपर वर्कआउट किया, और मतलब मुझे खांसी आने लग गई वो प्रोसेस में अचानक से। कल भी मुझे नहीं आई थी, मैंने पंप नहीं लिया था फिर भी नहीं आई थी, आज मुझे अचानक से खांसी आ रही, खांसी आ रही, खांसी आ रही है। और प्रोसेस के बाद भी दो तीन बार आई, मैं उठ के मैंने स्पिट किया, पर अब मुझे एकदम रिलैक्स फील हो रहा है, एकदम लाइट फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं घर जाऊं और कब मुझे वो सेकंड लंग्स चेंज करने का मौका मिले। सो थैंक यू एवरीवन ओवर हियर, मुमताज मैम, मनीषा, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट डियर।